आज हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 7.5 का, पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर के ए के फॉर्म में होता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सॉरी पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में होता है तो क्या हो जाता है इसका ए बटा ए एक्स प्लस बी बटा क्या हो जाता है इस वाले फॉर्म में होता है तो एक्स प्लस बी बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए के इस वाले फॉर्म में हो जाता है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी वही वाला फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाले फॉर्म में ही है। तो ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे इसको पहले तोड़ेंगे, क्योंकि पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में लाना पड़ेगा। मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पे दो दो है तो दो दो फिर रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको एक ही लेवल में लाना है। मतलब या तो लीनियर फॉर्म में हो नहीं तो क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन जो भी हो ठीक है उस वाले में उनको उसको चेंज कर देना पड़ता है। तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको एक्स के पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर और प्लस टू हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स का पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर और प्लस ट्वेल्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे तो एक्स के पावर फोर हो जाएगा प्लस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा बटे एक्स का पावर फोर हो गया प्लस सेवन एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस बारह हो गया। ठीक है, बारह हो गया तो क्या हो जाएगा इसको हम लोग करेंगे डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, तो डिवाइड करने आता ही होगा, ठीक है डिवाइड करने नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको डिवाइड कीजिएगा। चलिए सिखा देते हैं डिवाइड करना भी। देखिए डिवाइड करेंगे इसको तो क्या होगा एक्स का पावर फोर एक्स और एक्स पावर फोर और प्लस क्या है सेवन एक्स है और प्लस ट्वेल्व है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, इसको करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स का पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू से। तो वन बार में इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स पावर फोर हो जाएगा प्लस सेवन एक्स स्क्वायर था ना सेवन एक्स स्क्वायर था, ठीक है तो सेवन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ट्वेल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको घटाइएगा, इसको घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स फोर से खत्म हो जाएगा यहाँ पे, अब माइनस सात एक्स स्क्वायर अब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर है तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टेन हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस टेन तो माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन हो जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए प्लस टेन हो गया। चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि हाँ तो इसको इसी चीज़ को अब हम लिखना है तो क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास आठ को सत्रह से भाग करते हैं तो क्या होता है आठ उन्नीस सोलह यानी एक हो जाता है। तो पहले इसको लिखते हैं टू और प्लस वन बाई एट होता है, इसको फिर वन लिख देते हैं फिर बट्टा आठ लिख देते हैं, दो पूर्णांक को आठ लिख देते हैं तो यहाँ प्लस होता है ना बीच में तो वही काम करना है। ठीक है, तो पहले वन लिखना है यहाँ पे, वन प्लस कर देना है यहाँ पे, ठीक है प्लस कर देना है और लेकिन मेरे पास क्या है माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन है। ठीक है, माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन है और बटा में इसको लिख दीजिएगा एक्स के पावर फोर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व, इसको लिख दीजिएगा। तो यही चीज़ को हमको यहाँ पे लिखना है। आइए तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा वन प्लस, ठीक है माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन अबट्टा में प्लस टेन अबट्टा में क्या हो जाएगा एक्स फोर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व हो जाएगा। ठीक है, ट्वेल्व हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा वन माइनस हो जाएगा, ठीक है वन माइनस हो जाएगा ना, चलिए आइए तो वन माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन रहेगा यहाँ पे ऊपर में अब बटा में एक्स का पावर फोर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर और प्लस ट्वेल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आइए। तो अब यहाँ पे इसी को हमको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो ध्यान से देखिएगा इसको इंटीग्रेशन करना है तो वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर और प्लस टेन, ठीक है फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया इसको इसको इसी को न तोड़े हैं इसको, तो उसको लिख दीजिएगा यहाँ पे नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब इसी को इंटीग्रेशन करना है तो वन डी एक्स लिख दीजिएगा और माइनस का यहाँ पे कर दीजिएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन अब बटे में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर लिख दीजिएगा डी एक्स कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे तो इसको समीकरण वन मान के चलिए ताकि बाद में इसका तो डायरेक्ट जानते हैं कि इसका एक्स हो जाएगा फिर इसको आराम से करेंगे तो बाद में इसका प्रक्रिया करेंगे। पहले अभी करते हैं हम लोग क्या यहाँ पे कीजिए आप लोग मान लीजिए कि लेट क्या है फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन बटा में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर बराबर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा इस वाले फॉर्म में आ जाएगा, ये जो आपका फॉर्मूला है इस वाले फॉर्म में लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये वाला ए एक्स प्लस
बी बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा सी एक्स का, कि दो गो है तो इसलिए क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी बट्टा में क्या हो जाएगा, सॉरी ए गो होगा इसमें, यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर प्लस थ्री कर दिए और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री हो गया, चले आइए, हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब इसको कैसे तोड़ेंगे जनरल करते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं और इसके बराबर करते हैं, ठीक है। तो आइए आइए करिए, फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन और बट्टा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर हो गया। इसका एलसीएम लीजिएगा तो वही चीज़ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री से एक्स स्क्वायर थ्री खत्म होता है, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो ए एक्स प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है। दोनों गुना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी आई इंटू में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चलिए आइए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन बराबर, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा फोर ए एक्स, इसमें भी गुना करेंगे फोर एक्स प्लस फोर बी, ठीक है। चलिए प्लस क्या हो जाएगा सी एक्स क्यू प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू सी एक्स, ठीक है, थ्री इंटू सी एक्स और प्लस थ्री डी हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है, बराबर हो गया। अब एक्स क्यू वाले को एक जगह कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर वाले को एक जगह और एक्स वाले को एक जगह कर दीजिएगा, कॉन्स्टेंट टर्म को एक जगह कर दीजिएगा, सब बराबर हो जाएगा। फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन हो जाएगा, अब बराबर क्या हो गया यहाँ पे ए एक्स क्यू हो गया प्लस सी एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए एक्स प्लस थ्री सी एक्स प्लस फोर बी और प्लस थ्री डी, सब एक साथ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अब आगे चलते हैं, फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन बराबर, इसमें एक्स क्यू कॉमन ले लीजिए तो ए प्लस सी बचेगा, ठीक है। चलिए इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा बी प्लस डी बचेगा। चलिए फिर यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे तो फोर ए प्लस थ्री सी बचेगा और यहाँ पे फोर बी प्लस थ्री डी रहने दीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, मतलब इक्वेटिंग करते हैं, मतलब अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो उसका जो कोफिशियंट जो गुणांक होगा, अगर मान लीजिए एक्स क्यू वाला यहाँ पे कहीं पे है गुणांक नहीं ना है, तो उसको क्या इसका गुणांक क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इधर ए प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा नाउ ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और बी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है चार है, ठीक है, तो बी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा बी प्लस डी बराबर हो जाएगा आपको चार हो जाएगा, ठीक है, बी प्लस डी बराबर चार हो गया आपको। चले आइए और यहाँ पे देखिए एक्स का गुणांक यहाँ पे है कहीं पे नहीं है तो जीरो हो जाएगा ये भी, ठीक है, जो चीज़ नहीं होगा उसको सीधे जीरो लिख दीजिए, बराबर जीरो हो जाएगा। अब फोर बी प्लस थ्री डी, ठीक है, फोर बी प्लस थ्री डी है, ठीक है, फोर बी प्लस थ्री डी बराबर जीरो, सॉरी हाँ नहीं जीरो नहीं दस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है दस है, फोर बी प्लस थ्री डी बराबर दस है। समीकरण एक मान लीजिए, समीकरण टू मान लीजिए, समीकरण थ्री मान लीजिए और समीकरण सॉरी टू थ्री फोर और फाइव का समीकरण वन यहाँ पे माने हुए इसलिए, ठीक है, फोर फाइव। अब आपको इसमें ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालिएगा, आसानी से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे ए प्लस सी है और इसमें भी ए प्लस सी है थ्री वाले फोर वाले क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण टू में थ्री से गुना करके माइनस कर देंगे समीकरण फोर को, तो मेरे पास ए या सी का जो भी वैल्यू आना होगा आ जाएगा आराम से। तो क्या हो जाएगा थ्री ए प्लस थ्री सी बराबर जीरो हो जाएगा और समीकरण फोर में क्या है मेरे पास फोर ए प्लस थ्री सी बराबर जीरो है, माइनस करना है तो माइनस कर दीजिए, खत्म हो गया, थ्री सी से थ्री सी खत्म हो गया, अब माइनस ए हो गया, ठीक है, माइनस ए बराबर जीरो, तो माइनस इधर लाइएगा तो तभी भी क्या होगा, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और इस ए का वैल्यू पुट ए इन इक्वेशन टू में डालते हैं, अगर यानी ए प्लस सी में डालते हैं तो ए बराबर पुट ए का वैल्यू क्या है जीरो है, ठीक है, तो ए बराबर सॉरी ए प्लस सी बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे ए बराबर जीरो क्या है समीकरण
तो a प्लस सी बराबर जीरो है, तो a का वैल्यू जीरो डालेगा तो जीरो c बराबर जीरो हो जाएगा, इसलिए c बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो a और c का वैल्यू यहाँ पे निकल गया मेरा, ठीक है, a और c का वैल्यू निकल गया। उसी तरह हम लोग आगे करेंगे इसको, ठीक है, आगे करेंगे हम लोग। चलिए दूसरे पेज में करते हैं, आइए तो क्या हो गया यहाँ पे, चलिए आइए। अब आप लीजिए समीकरण थ्री ले लीजिए और फाइव ले लीजिए, ठीक है। तो समीकरण थ्री में क्या करिएगा, गुना कर दीजिएगा थ्री से और माइनस फाइव कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, थ्री बी प्लस थ्री डी इक्वल टू ट्वेल्व हो जाएगा। और इधर क्या है मेरे पास, फोर बी प्लस थ्री डी बराबर कितना है, टेन है। चलिए माइनस कीजिए, माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, थ्री डी से ठीक ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस बी हो जाएगा, थ्री बी माइनस फोर बी मतलब सीधे माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी माइनस बी, बारह से दस का तो दो होता है ना, तो दो हो जाएगा, तो माइनस बी बराबर क्या हो गया आपका, दो हो गया, इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, बी बराबर माइनस टू हो गया। चलिए तो बी का वैल्यू निकल गया, इसलिए पुट बी बराबर क्या कर देंगे, माइनस टू कर देंगे, ठीक है। तो माइनस बी बराबर टू किस में, इक्वेशन थ्री में ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थ्री में डालिएगा तो बी प्लस डी बराबर क्या दिया था, इक्वेशन थ्री, बी प्लस डी बराबर फोर है, तो बी का वैल्यू माइनस टू डाल रहे हैं तो डी बराबर फोर हो जाएगा, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, चार प्लस दो बराबर छः, इसलिए डी बराबर क्या हो गया, छः हो गया। बी का वैल्यू भी आ गया, डी का भी वैल्यू आ गया, सबका आ गया, ठीक है। इस तरह से आगे हम लोग और फिर आगे करेंगे आगे, चलिए तो आगे हम लोग इस वाले में वैल्यू डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है उसमें डाल देंगे। तो इसलिए अब मेरे पास क्या हो जाएगा, अब मेरे पास हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन बटे में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर बराबर क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ए एक्स प्लस बी बट्टा में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है, ठीक है, और प्लस क्या है, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी है और बटा में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर है, ठीक है, इस तरह से। चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप सबका वैल्यू डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन बटे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा। चलिए ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए तो ए का वैल्यू जीरो था, ए का वैल्यू जीरो आया था ना आपको, देखा था उसमें, तो जीरो इंटू एक्स की जगह तो जीरो आएगा, बी का वैल्यू कितना है, माइनस टू आया तो माइनस टू अब अट्टे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रहने दीजिए। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ पे, प्लस सी का वैल्यू जीरो था तो जीरो हो जाएगा ये पूरा, और डी का वैल्यू कितना है, सिक्स है तो सिक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस फोर रख दीजिए, इसी का इंटीग्रेशन करके हम लोग उसको वैल्यू डालना है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे यहाँ तक कर देंगे हम लोग इतना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए फ्रॉम इक्वेशन वन आ जाइए, फ्रॉम इक्वेशन वन आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वन डी एक्स माइनस क्या दिया हुआ है, इक्वेशन वन में आपका ये ना है, देखिए यहाँ पे ये वाला वन डी एक्स वाला, तो इसको इसी को लिख रहे हैं हम लोग। चलिए आइए वन डी एक्स और क्या हो गया, इंटीग्रेशन फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन अब बटा में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर हो गया, ठीक है, इस तरह से डी एक्स हो गया। अब इसके जगह पे ये वाला वैल्यू डाल सकते हैं, ये जो वैल्यू आया है मेरा, डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, तो वन डी एक्स हो जाएगा माइनस, चलिए डालिए इसको, माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस फोर क्या हो गया, डी एक्स हो गया, इस तरह से। दोनों को अलग अलग कर दीजिएगा, ठीक है, दोनों को अलग कीजिएगा तो इसमें, चलिए इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो एक्स आ जाएगा, ये माइनस रहेगा, और जब इसको अलग कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे अभी सब में इसको अलग कीजिएगा, इसका अलग इंटीग्रेशन हो जा रहा है, ठीक है, इसका पूरा अलग इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसको सबको अलग करेंगे हम लोग, अलग अलग कर देंगे। तो माइनस टू है तो माइनस टू को बाहर कर दीजिए, ठीक है, माइनस टू बाहर कर दिए, यहाँ पर आ गया वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री आ गया, ठीक है, और प्लस इसका भी इंटीग्रेशन तो छः को बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए इसको वन बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है, इस तरह से दोनों का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। आइए तो अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक्स यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, पहले अंदर वाला कर लीजिए उसके बाद काम कीजिएगा, तो ये माइनस टू है
ठीक है, माइनस टू हो गया, चलिए माइनस टू हो गया, और ये किसके फॉर्म में है ध्यान देखिए तो वन बाई एक्स स्क्वायर और प्लस रूट थ्री का स्क्वायर करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है ना। तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि क्या होता है अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में होता है अगर ये, तो किस तरह से लिखते हैं इसको फॉर्मूला याद है आपको, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए कर देते हैं, याद रहना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं रखेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। थ्री स्क्वायर हो गया और प्लस सिक्स अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी किस फॉर्म में, ये भी वही फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर के फॉर्म में है। डी एक्स लिखना नहीं भूलिएगा, डी एक्स आप लोग लिखना भूल जाते हैं, डी एक्स जरूर लिखिएगा, क्या कि इंटीग्रेशन कर रहे हम लोग, चलिए आइए, ठीक है आइए। तो हो गया यहाँ पे, अब क्या हो गया एक्स माइनस, अब देखिए आपको पता ही है क्या होता है, वन बाई ए होता है ना, वन बाई ए होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस टू बाई रूट थ्री, ठीक है। माइनस टू इधर आ गया और रूट थ्री आ गया, ठीक है, रूट थ्री आ गया। फिर क्या था टेन इनवर्स, चलिए टेन इनवर्स एक्स बट्टा एक्स है तो एक्स रहने दिए और रूट थ्री कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब प्लस यहाँ पे छः हो जाएगा, आई बट्टा में दो हो जाएगा, ठीक है, बट्टा में दो, और इधर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बट्टा दो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, चलिए आइए। अब देखिए अब इसको बाहर कर सकते हैं, तो एक्स प्लस दो बाई रूट थ्री हो जाएगा, दो बाई रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई, टेन इनवर्स एक्स बाई रूट थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस प्लस, देखिए अब बाहर ब्रैकेट के बाहर कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस द्वितीय थ्री हो जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स बाई टू नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब प्लस सी लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है, प्लस सी जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से आपका 18वां नंबर क्वेश्चन बन गया है, इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है।